हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लाल मिर्च के अचार। जिस तरह से हम बनाएंगे वो अचार कभी भी 2-4 साल तक नहीं खराब होगा। अचार में कभी भी लाल मिर्च को हम धोएंगे नहीं। इसको हम एक कॉटन के कपड़े को पानी में हल्का सा निचोड़ कर इसको हम पोंछ देंगे और एक दिन के लिए धूप लगा देंगे। इसके बाद हम मसाले लेंगे। इसमें 1 चम्मच मेथी, 2 चम्मच सौंफ, अजवाइन 2 चम्मच, राई 2 चम्मच और थोड़ी सी कलौंजी और हींग लेंगे। हम सौंफ को, अजवाइन और राई को हम और मेथी इसको हम पीस लेंगे मोटा दरदरा। ये देखिए इस तरह से पीस लेंगे हम, मोटा ही रहेगा। इसके बाद हम इसको सारे मिक्स करेंगे साथ में कलौंजी और हींग के साथ। फिर इसमें हम 2 चम्मच अमचूर पाउडर लेंगे। ये हमारा 1/2 किलो का मिर्च था। 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च और नमक कम से कम 2 या 3 चम्मच लेंगे और इसको हम सब मिक्स कर लेंगे और 3-4 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल लेंगे और इसको भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अचार जिस तरह से हम बना रहे हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होता है। अब लाल मिर्च को हम जो एक दिन के लिए धूप में सुखाए थे इसको बीच से ऐसे कट कर लेंगे और ये बीज को हम थोड़ा सा निकाल देंगे। ऐसे चाहे तो आप बीज को छोड़ भी सकते हैं लेकिन निकालने से अच्छा रहता है। थोड़े थोड़े ऐसे इसमें चाकू से कट करके हिला करके सारे निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा निकल गया। बाकी सारे को भी उसी तरह हम निकाल लेंगे। फिर हम सारे निकालने के बाद इसमें मसाले को भरेंगे। चाहे तो इसके हम ऊपर से भी कट करके भर सकते हैं लेकिन ये हमारे बीच से कट करने से बहुत आसानी से भर जाता है और इसको हल्के हाथ से दबा लेंगे। देखिए ये हमारा अच्छा से भर गया है और एक एक करके हम सभी लाल मिर्च को भर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम भरने से कभी हमारा निकलेगा नहीं। बाकी भी हम सारे इसी तरह भर लिए हैं। फिर हम इसको एक बाउल में रख लेंगे। इस तरह चौड़े बाउल में इसलिए रखे हैं कि इसमें पहले 2-4 दिन धूप लग जाएगा तो ये अचार की पानी भी छोड़ देगा और ये हमारा अचार जल्दी नहीं खराब होगा। और इसमें हम फिर 3-4 दिन के बाद थोड़ा सा हम तेल मिला दिए और फिर इसके बाद हम एक जार में पलट लेंगे। अब ये हमारा मिर्च गल गया है 4-5 दिन के बाद अच्छी तरह से और जार में हम पलट कर आराम से 2-3 सालों के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। इस और कम से कम 7-10 दिन हम इसको धूप में जरूर रखेंगे और हम किसी भी डिश के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।